और इधर में एक बड़ा वाला है, इसे भी पकड़ते हैं। पकड़ लिया हमने। हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो के साथ। तो हम आ चुके हैं फिर से यूपीएस से मछली पकड़ने के लिए। तो शिकारी भाई साहब आए हैं बहुत दिन बाद, तो अब शिकारी भाई साहब कंटिन्यू रहेंगे, उनका काम खत्म हो चुका है। तो कनेक्ट करिए शिकारी भाई साहब। तो हम इधर देखिए, पहाड़ है पूरा और पहाड़ से, पहाड़ के नीचे से एक नदी बह रही है। तो इसी नदी में हम मछली पकड़ेंगे। आइए चलिए देखते हैं कौन कौन सी मछली मिलती है हमें यहाँ। चलो देखिए कितने सारे मछलियाँ मिल गई हमें, इनको बैग में डाल लेते हैं। ये देखिए पहला शुरुआत हमारा झींगा मछलियाँ है बहुत सारी। किधर ये देखिए एक झींगा मिला हमें, इधर में एक बड़ा वाला है, इसे भी पकड़ते हैं। पकड़ लिया हमने। ये देखिए कितना बड़ा है, इधर बहुत सारी झींगा है, इसको पकड़ लेते हैं। ये भी मिल गया एक, और ये देखिए अभी तक हमको इतने मिल चुके हैं। बड़ा मछली तो नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये देखिए केकड़ा का बिल है यहाँ। ये देखिए ये केकड़ा का बिल है, ये देखिए। तो अब देखिए शिकारी भाई साहब कैसे निकालते हैं इस केकड़ा को। इसको सबसे पहले साइड में रख देते हैं यहाँ। बहुत बड़ा है केकड़ा, शिकारी भाई साहब कह रहे हैं। लगता है इन्होंने पकड़ लिया है। हाँ पकड़ लिया, देखिए कितना बड़ा है। देखिए क्या साइज है, दिखाइए शिकारी भाई साहब। ये देखिए कितना बड़ा है। ये देखिए ये है नदी का असली मछली, ये बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। अभी छोटा है फिर भी चलेगा। देखिए शिकारी भाई साहब केकड़ा है, और में रख पकड़िए। एक केकड़ा मिला, ये छोड़ दो छोड़ दो। तो इस केकड़ा को हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसके पास बहुत से छोटे छोटे बच्चे हैं इसके पेट में, ये देखिए, इसीलिए हम इसे छोड़ देंगे, नहीं पकड़ेंगे इसे। काफी क्यूटी क्यूटी है, छोटा छोटा बच्चा है इसके पेट में, इसीलिए इसे छोड़ देते हैं। ये देखिए छोड़ दीजिए शिकारी भाई साहब, इसे छोड़ दिया हमने। चलिए आगे चलते हैं। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि आप बैग से क्या करते हैं, तो बैग से मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ ये स्विच को ऑन करता हूँ। देखिए इसे मैं इसे दबा देता हूँ, यूपीएस ऑन हो गया। अब यहाँ शॉक देता हूँ।
और अब बैग में डाल लो। अभी ये देखिए गुतु मछली यहाँ एक है, निकलिए ऐसे करिए भाई साहब उसको। तो हमारा मछली पकड़ना कंप्लीट हो चुका है। पकड़ तो और भी सकते थे लेकिन अभी बारिश आया नहीं है अच्छे से, इसीलिए नदी में मछलियाँ भी कम हो गई है। तो अभी और बारिश आने वाली है, अगर बारिश आ गई तो हमें भीगना होगा और UPS भी ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आप देख सकते हैं हमें इतना मछली मिला है, ये देखिए हमें इतना मछली मिला है, ज़्यादा तो नहीं है पर काफ़ी है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपसे मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में।